वहीं बीजेपी के एलईडी प्रचार रथ आज रवाना होंगे। सीएम मोहन यादव दिखाएंगे रथों को हरी झंडी। प्रदेश कार्यालय से प्रचार रथ होंगे रवाना। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहेंगे। 29 लोकसभाओं के लिए रवाना होंगे एलईडी प्रचार रथ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एलईडी प्रचार रथ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान 29 लोकसभाओं के लिए रवाना होंगे एलईडी प्रचार रथ। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के एलईडी प्रचार रथ आज रवाना होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है, एलईडी प्रचार रथ की बात करें तो किस तरीके से इसको अंजाम देने वाली है बीजेपी, और विस्तार से एलईडी प्रचार रथ के बारे में बताइए। देखिए माधुरी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, तो विधानसभा चुनाव की तर्ज पर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के मुख्यालय में, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं तैयार किया है। और इन रथों की खासियत ये है कि सभी में अंदर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की बीजेपी सत्ता में रहते हुए जो फ्लैगशिप योजना है, वो इस स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हाईटेक जो है प्रचार का जमाना है, तो बीजेपी भी हाईटेक तरीके से प्रचार कर रही है। और तस्वीरों में दिखाते हैं कि लाइन से ये पूरे 29 तक यहाँ पर खड़े होंगे, और अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश के अध्यक्ष पीवी शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष, दोनों अभी यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर जो है इन रथों को रवाना करेंगे, जो एक एक लोकसभा सीट पर जाकर और प्रचार करेंगे। गाँव के में, छोटे कस्बों में जो पहले नुक्कड़ सभाएं होती थी, लाउडस्पीकर से प्रचार होता था, अब इसमें जो है एक ड्राइवर बैठा रहेगा, उसकी अलावा एक और उसका सहयोगी रहेगा, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जहां पर केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाओं, उनका बखान किया जाएगा जनता को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए। बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर प्रचार की तैयारियों में जुटी हुई है, और यही वजह है कि जो है ये डिजिटली रथ भी रवाना किए जा रहे हैं। माधुरी, बिल्कुल देखना होगा, विधानसभा में तो बीजेपी ने जमकर वोट बटोरे थे, लेकिन देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियां कैसे रहने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।